कि अक्सर आप लोगों का भी शिकायत आता है कि शुभम ज्यादा बोलता नहीं है, बुलाते हैं शुभम से ही एंड करवाते हैं मेरे स्टाइल में, देखते हैं कैसे करता है वो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग तो अभी सुबह के 9 बज रहा है, हम लोग गुरुद्वारा आ गए हैं, तो यहीं पर आए हुए अभी जा रहे हैं, यहाँ पर भी नहाना धोना करते हैं, अभी नहा धोवा के भी फ्रेश होते हैं, थोड़ा कपड़ा वगैरह खींचना है, तो यहाँ पर जगह बहुत अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी पहले जा रहे हैं ब्रश करके कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर नहा धोवा के फिर बाबा माथा टेकेंगे, फिर निकलेंगे, मतलब कल हम लोग खाली करना है। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं अभी यहाँ से। देखिए दोस्तों हमारा नाश्ता, ये कैसे निकाल रहा है देखिए, 1, 2 और देखिए 3, मतलब समझ रहे हैं कि हिसाब गड़बड़ कर रहा हूँ। चटनी तो शुभम खाएगा, और क्या चाहिए, मिर्चा है, इसको ऐसे ही तोड़ के ये हमारा बंगाली स्टाइल है खाने का, इसमें हम लोग समोसा तोड़ ले या आलू चॉप। दोस्तों अभी हम लोग नहा धोवा फ्रेश हो गए हैं, तीनों आदमी नहा लिए, अब जा रहे हैं बाबा के पास माथा टेकने, माथा टेक के फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि सफ़र भी काटना है और कल हम लोग खाली भी करना है। सांगली या कोल्हापुर कहीं का देगा, अभी पार्टी से फ़ोन करेंगे तो वो बोला था एक बार कि कहीं भी खाली हो सकता है, सांगली भी कोल्हापुर भी। तो ठीक है दोस्तों अभी निकलेंगे यहाँ से, और देखिए शुभम भी तैयार है नहा धोवा के, अब चले सब हम लोग अभी गुरुद्वारा में। ठीक है दोस्तों निकलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जब मन करता है गन्ना खाने का तब हम गन्ना, मतलब इधर तो गन्ना का भी पूरा चल रहा है, खेती होता है गन्ना, तभी गन्ना कटाया है, जब मेरा उस्ताद पास लेता है तब हमें को नोच लेते हैं, वो तो मेरा कहानी है शुरू से। तो वही मेरा मूड करता है खाने का तो हम नोच नाच के खाते हैं, वही आज छोई को गन्ना नोचे हैं। मीठा ठीक है, गन्ना का मीठा ठीक है, अभी का सीजन में जो गन्ना कटाया है उसका मीठा होगा पूरा, और जो वो बरसात में कटाता है वो बहुत खराब, गन्ना में मीठा नहीं रहता खाली पानी रहता है, इसमें मीठा है पूरा। तो अभी शाम के 5 बज गया है, हम लोग लातूर आ गए हैं, लातूर ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर है यहाँ से। तो शाम में चाय पीने का भी टाइम हो गया, सोचते हैं गाड़ी में ही बनवा लेते हैं चाय, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चाय मिलता है होटल में तो हम लोग का मन नहीं भरता है, हम लोग ज़्यादा चाय पीने वाला, और थोड़ा बहुत मिलता है ना तो मन नहीं भरता, इसीलिए चलो गाड़ी बना लेते हैं तो मन भी भर जाता है, और पूरा गिलास भर के भी चाय पी लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ और भी है ना कि थोड़ा हम लोग को जब डॉक्टर भी कहता है ये चीज़, चाहे ऑफिस में काम करने वाला हो या ट्रक चलाने वाला, है ना, कि जब भी कोई कुर्सी में बैठ कर काम करता है, मतलब
तीन चार घंटा बैठता है, तो उसको उठ के फिर चलना चाहिए। तो बाद में ना ये घुटना में ये बहुत शिकायत आता है, क्योंकि पैर मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे पैर मुड़ा ही रहता है, तो हम लोगों को थोड़ा रनिंग के लिए चलना पड़ता है। तो ये हम देखते हैं, हम कम से कम 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चला लेते हैं गाड़ी, तो फिर उतर कर टहलने लगते हैं कि आगे चल के इसमें बीमारी ना हो जाए। ये घुटना में शिकायत आ ही जाता है आदमी का, कुर्सी में बैठे बैठे वाला। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो टहलते हैं, तब तक मेरा चाय बनेगा, फिर निकलेंगे चाय पी के यहाँ से। तक सूरज चांद रहेगा फलना बाबू नाम रहेगा, तो ही मेरा उस्ताद को, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा उस्ताद नाम रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग चाय बनाए हैं, तो चाय बनाए हैं, तो यही सेव हुआ है, तो गाड़ी का चाय को अलग मजा लगता है, तो दुकान का चाय को अलग मजा लगता है। तो गाड़ी का चाय मिलता है भरपूस, और उसमें भरपूस नहीं मिलता, इतना बड़ा छोटा सा कप मिलता है, तो उसमें 10 रुपया, तो 15 रुपया कर दिया है चाय, चाय का रेट बढ़ गया है, 15 रुपया हो गया है। ठीक है दोस्त, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उस्ताद का नाम रहेगा। तो ये हमारा शाम का चाय, देख रहे हैं शाम भी हो गया, तो चाय पी कर निकलेंगे यहाँ से। अभी यहाँ से तो सफ़र काफ़ी काटना है, तो ठीक है दोस्त, चाय पी के सीधा उस कपड़ा मारू के सीधा साफ ऊपर के मतलब निकलेंगे यहाँ से हम लोग। ये देखिए सोए भुजिया, सोलापुर आ गए हैं खाना खाने के लिए, अभी आए हैं खाना खाने हम और शुभम रोहित, सब खाना खा लेते फिर निकलेंगे यहाँ से, रुकेंगे तो नहीं, अभी अभी सफ़र काटना है अभी, तो निकालो शुभम, निकालते हैं। अब इतना इतना थाली क्या होगा यार, ये दोस्तों खाना वाना तो हो गया हम लोग का, और अभी हम लोग सोलापुर में है, तो देखते हैं यहाँ से निकलना भी है अभी, क्या ना कि यहाँ से अभी टाइम से निकल जाएंगे तो कुछ सफ़र कट जाएगा हम लोग का। दोस्तों रात तो काफ़ी हो चुका है, मेरे वीडियो में क्या क्या अक्सर आप लोग का भी शिकायत आता है कि शुभम ज़्यादा बोलता नहीं है, तो इसकी लेकर के आज हम शुभम को बुलाते हैं, शुभम से ही एंड करवाते हैं मेरे स्टाइल में, देखते हैं कैसे करता है वो। इधर अभी ज़्यादा बोलता तो है नहीं, आज वीडियो का एंड तुम करेगा और तुम बताओ जैसे हम एंड करते हैं वैसे करो, कैसे करेगा तुम देखता है ना, तो देखता है तो बताओ ये। अच्छा दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, बोलो। अच्छा दोस्तों तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों। चलिए धीरे धीरे करवा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे अभी, और ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।